ब्राह्मण नहीं हमारा विद्वान बोला। गोबरा के पूजत पूजत गोबर भाई दिमाग है, अब ना पूजब गोबरा बनाई बेकरा खा दे, है ना। पत्थरा के पूजत पूजत पत्थर भाई दिमाग है, अब ना पूजब पत्थरा बनाई बेकरा जात है। रहे हैं जेकर दादा अंग्रेज के कैलाश दलाली वो अपना के आज देश भक्त कहावर का, ये गांधी के हत्यारा वो अपना के गांधी के खास पूत बतावता, ये बाबा साहेब के नित कैल अपमान वो अंबेडकर जयंती मनावता, अब बाबा साहेब के नाम ले लेके बाबा साहेब के रोज रोज संविधान जलावता। किसी ने हमें सुला सुला कर लूटा, जब मेरी आंखें खुली तो हमें रुला रुला कर लूटा, जब हमने प्रतिकार करना सीखा तो लहू बहा बहा कर लूटा। हम लोग ज्यादा संविधान निर्माता चिढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम दर्शन है मानव द्वारा मानव की मुक्ति को शोषण को समाप्त करना। यानी हम अपने सोच से अंबेडकर साहब के जीवनी के पूरा दर्शन पर चर्चा होनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर पढ़ता है और पढ़ाता है, आदमी अपने आप में पूरा नहीं होता है लेकिन संपूर्ण समाज पूरा होता है। बंधुओं, बाबा साहेब अंबेडकर की परिचर्चा, इनके जीवनी परिचर्चा एक सिद्धांत है, और एक सिद्धांत है इनकी। हम लोग ज्यादा संविधान निर्माता चिढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम दर्शन है मानव द्वारा मानव की मुक्ति को शोषण को समाप्त करना, यानी मानव मुक्ति। तो मानव मुक्ति खास करके हमारे भारत में, अन्य देशों में बहुत बहुत दार्शनिक पैदा हुए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जो, ये पूरे हमारा जो पुरानी व्यवस्था है, शोषण युक्त व्यवस्था है, ऊंच नीच समाज जो आर्यों के द्वारा बनाया गया है, सोना के चिड़िया को पंख निचोड़ करके समाप्त किया गया है, और हमारा देश अनार्यों का शासन समाप्त करके आर्यों की शासन लाद दी गई है। बाबा साहेब वह शख्स है, उनका दर्शन है, पुनः ये जो लूटे पीटे लोग हैं, जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं, सदियों से लूटे पीटे लोगों को दलित पिछड़ा समाज कहते हैं। किसी ने हमें सुला सुला कर लूटा, किसी ने हमें सुला सुला कर लूटा, जब मेरी आंखें खुली तो हमें रुला रुला कर लूटा, जब हमने प्रतिकार करना सीखा तो लहू बहा बहा कर लूटा। ये तमाम लोगों को चिन्हित करनी है। आज की परिस्थिति में हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, हम ही नहीं मना रहे हैं, वे मना रहे हैं जेकर दादा अंग्रेज के कैलाश दलाली वो अपना के आज देश भक्त कहावर का, ये गांधी के हत्यारा वो अपना के गांधी के खास पूत बतावता, ये बाबा साहेब के नित कैल अपमान वो अंबेडकर जयंती मनावता, अब बाबा साहेब के नाम ले लेके बाबा साहेब के रोज रोज संविधान जलावता। तो वह भी जयंती मना रहा है, वो भी परिचर्चा कर रहा है, हम भी परिचर्चा कर रहे हैं, दोनों में आकाश पाताल की अंतर है। बाबा साहेब के दर्शन और बाबा साहेब के संविधान समाप्त करने के लिए ये मनुवादी लोग, भाजपाई लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि चूहिया मारने वाला जब आता है
तो पेड़ के नीचे चूहिया का बोली बोलता है। चूहिया समझती है कि कोई हमारा रिश्तेदार आ गया है, और ऊपर से मिलने के लिए जब चूहिया चलती है तो नीचे से चूहिया मार उसे चुभा देता है, बर्फी चुभा देता है। तो इस बात की हमें सावधान रहनी है। एक बात हम कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे, वह बात है बाबा साहेब का, जो ये बाबा साहेब ने दर्शन दिया है हिंदुइज्म वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नई व्यवस्था और नई पद्धति दी है। हिंदुइज्म से मुक्ति, हमारा भी लड़का का शादी था और एक कार्ड सब छपा था जिसमें मात्र बाबा साहेब और भगवान बुद्ध का चित्र था, मंगलम भगवान विष्णु का उसमें दर्शन वगैरह नहीं था। और तिलक में भी जो लोग गए आपने देखा कि ये बाबा साहेब की, मैडम बाबा साहेब की स्टैचू रखी हुई है, भगवान बुद्ध का स्टैचू रखा हुआ है, वहां ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण नहीं हमारा विद्वान बोला। गोबरा के पूजत पूजत गोबर भाई दिमाग है, अवना पूजब गोबरा बनाई बेक रखा दे, है ना। ए पथरा के पूजत पूजत पत्थर भाई दिमाग है, अवना पूजब पत्थरा बनाई बेक रह जाते। इस तरीका के हमारे बेटियां बहु मंगल गीत गा रही थी, और जो तिलक चढ़ाने वाले लोग थे वे दुल्हा एक कैंडल जलाया छिपा में थाली में, और एक उधर से तिलक चढ़ाने वाला कैंडल जलाया, एक दुल्हा का बाप कैंडल जलाया और एक दुल्हन की बाप कैंडल जलाया, और एक पंच के तरफ से कैंडल जली, पांच कैंडल जला। इसका मतलब यह छह क्यों नहीं जला, चार क्यों नहीं जला, यह हमारा संविधान का पंचशील है, पंचशील पर आधारित हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। और जो भी सामान चढ़ावा में आया था, पहले बाबा साहेब में वो गणेश जी में चढ़ाता है, सुमुखर एक दंत कपिलो गंज कर्ण का लंबोदर चबिट्टो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भाल चंद्रो गजानन द्वादश शैतानी पठक्षु नयादपि बिंदा रंभे विवाहे च विदेश गमने तथा संग्रामे संकट, उसका श्लोक है। लेकिन हमारा श्लोक तो बाबा साहेब का था, और बाबा साहेब में ठेकाया जा रहा था और दुल्हा को सुपुर्द किया था। ये मैं अपनी परिचर्चा नहीं कहना चाहता, हर लोग हम बाबा साहेब को मानते हैं, सब लोग यही करना है, बाबा साहेब को मान रहे हैं। इसी चीज का है हिजा से है भोजपुरी में सुन लो लोग बबुआ, हे हिजा से ऊपर मत मानो, हे हिजा से हम लोगों को हिंदुइज्म से मुक्ति लेना होगा, बगैर उसके मुक्ति के हम मुक्त नहीं होंगे। हम उसको बड़ा मान रहे हैं तो वह बड़ा है, अगर नहीं मानेंगे तो वह बड़ा नहीं है। पहले हम गरीब नहीं हुए हैं, पहले हम गरीब, हमें गरीब बनाया गया, पहले हम समाज में हमें गिराया गया और मानसिक गुलाम बनाया गया। यह कलम मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, यह ऊपर है, यह ब्राह्मण देवता है, अगर इसको यहाँ फेंक दे ऊपर है, ऐसे रखे हैं बेकाम का है, तो ऊपर है, लिखने का काम करते हैं तो फिर ऊपर आ गया है? अगर इसको हम ऐसे फेंक दें और केवल इससे हमारा काम चलेगा कि नहीं, इसे काम, लेकिन हम इसको कपार पर ढो रहे हैं, ब्राह्मण को हम कपार पर ढो रहे हैं। ये ब्राह्मण को ढोने का मतलब होता है हम वर्ण व्यवस्था को ढो रहे हैं, हम जाति व्यवस्था को ढो रहे हैं, हम ऊंच नीच समाज को ढो रहे हैं, हम गुलामी को ढो रहे हैं। इस गुलामी को तोड़ने के लिए हम लोगों को पहले ये जितना अपनी संस्कार को, हमारी संस्कार पर जो उसकी कब्जा है, उस कब्जा को तोड़ना होगा, यही बुनियादी परिवर्तन होगा। नहीं तो सत्ता आएगा सत्ता जाएगा, आया राम गया राम, कुछ करना है तो ऐसा ही किया जाए। ज्यादा समय हम ज्यादा जया नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत जय